के थाना मगोरिया में एक बालिका के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले में रिपोर्ट दर्ज नहीं किए जाने का मामला प्रकाश में आया है, जिसकी शिकायत लेकर पीड़ित सोमवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे पीड़ितों ने जानकारी देते हुए बताया, 24 नवंबर को उनकी पुत्री के साथ गाँव के ही दबंगों द्वारा जबरन छेड़खानी कर बलात्कार करने का प्रयास किया गया था, जिसमें पीड़िता के शोर मचाने पर मौके पर आए कुछ लोगों को देख आरोपी मौके से फरार हो गए। साथ ही आरोपियों ने धमकी दी, उनका नंग फोटो और वीडियो बना लिया गया है, यदि उसने कोई कार्यवाही करने की कोशिश की तो उसे वायरल कर दिया जाएगा। जब पीड़ित ने इसकी शिकायत अपने परिजनों से की तो परिजन शिकायत लेकर अपने स्थानीय थाना मगोरिया पहुंचे, किंतु उनकी वहां कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसे परेशान होकर पीड़ित सोमवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। जैसे ही उन्हें पता चला कि आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर डीआईजी लव कुमार आने वाले हैं, तो वे उनसे मिलने की जिद लिए एसएसपी कार्यालय पर ही बैठ गए। पीड़ितों ने जानकारी देते हुए बताया कि जब शिकायत लेकर थाना मगोरिया पहुंचते हैं तो वहां से पुलिस द्वारा उन्हें धमकाकर भगा दिया जाता है। साथ ही उन्होंने बताया कि पुलिस उन्हें उल्टे जेल भेजने की धमकी दे रही है। थाने से आए, क्या मामला है? लड़की छेड़छाड़ और साहब मगोरा थाना कोई सुनने ही नहीं आया। आज हम शिकायत करने गए ना, शिकायत करने गए हैं माठिया पे और कोई छेड़छाड़ कुछ भी वो नहीं कर रहे हैं। क्या कहते हैं पुलिस वाले?